खान का फिल्म पठान फ्लॉप करवाने चला था, किस फिल्म में घुस गया है? इसके बाप की औकात नहीं है, शाहरुख खान के बाप की औकात देख रहा है, इसके बाप की औकात नहीं है कि एक फिल्म फ्लॉप कर पाए। धन्यवाद शाहरुख खान को कि उनकी वजह से, उनकी इस फिल्म की वजह से हमें पता चला कि मोहब्बत जीतती है। वो ये फिल्म नहीं रह गई, अब ये फिल्म नहीं रह गई, अब लोगों ने बता दिया कि हमने फिल्म ईवीएम से नहीं देखी, हमने डायरेक्ट बैलेट पेपर से ही पिक्चर देखी। अब अंधभक्त जो है नीचता पे उतर आए हैं, वह कह रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस पे जितना पैसा का कलेक्शन दिखा रहा है उसको हम मानेंगे ही नहीं, शाहरुख खान इतना पैसा नहीं कमाया है, यह जो है फेक चीजें दिखाया जा रहा है। तो इन अंधभक्तों को बोल दूं कि अपने औकात से शाहरुख खान की औकात मत मापो, जो 2 रुपया और 4 रुपया में ट्वीट और फेसबुक का पोस्ट करते हो उसके लिए तुम्हारी औकात 2 रुपये और 4 रुपये की हो सकती है, लेकिन शाहरुख खान की औकात शाहरुख खान स्वयं नहीं बता रहा है बल्कि बॉक्स ऑफिस बता रहा है, जो एक ऑथेंटिक संस्था है और जिसपे विश्वास किया जा सकता है। दूसरा, बहुत सारे अंधभक्त ऐसा कह रहे थे कि अगर शाहरुख खान हिट हो गया ना, इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो गया था कि यह फिल्म हिट हो गई तो हम जो अपना टकला करवा लेंगे, अपना मूछ मुड़वा लेंगे। एक अंधभक्त तो कह रहा है कि मैं एक बाप का पैदाइश रही अगर यह फिल्म हिट हो गया तो। एक अंधभक्त कह रहा है कि कुत्ते मेरे नाम पे पोस देना, पाल देना अगर यह फिल्म हिट हो गया तो। और एक अंधभक्त कह रहा है कि मेरा नाम ही बदल देना यह फिल्म हिट हो गया तो। अब मैं पूछना चाहूंगा, तुम्हारे नाम पे कुत्ता पाला जाए, उस कुत्ते का क्या नाम रखा जाए? तुम्हारा नाम बदल के क्या नाम रख दिया जाए? तुम बोल रहे हो एक बाप की पैदाइश रही तो इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाते हो? अब जो है तुम किसके पैदाइश माने जाओगे? इसलिए कहता हूं अंधभक्तों, क्या अपना मुछ मुड़वाओगे? नहीं मुड़वाओगे, टकला होगे? नहीं होगे। इसलिए कहता हूं अंधभक्तों, थोड़ा सा शर्म करो और शर्म करके जो कॉन्फिडेंस इतना है ना, इतना कॉन्फिडेंस दिखाना सही नहीं है, नहीं तो कॉन्फिडेंस से ही जलालत झेलनी पड़ती है, शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। आज रास्ते पे मुंह छुपाए फिर रहे हो, आंख में आंख नहीं मिला पा रहे हो, यह इसी का तुम्हारे कॉन्फिडेंस का परिणाम है। सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि पठान जो है वो 600 करोड़ के पार हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी जीत है, एक मूवी की नहीं, ये जीत है उस मोहब्बत की, उस प्रेम की, उस प्यार की, जिसने नफरत को हराया है, नफरत को पराजित किया है। जी हाँ साथियों, आपको याद ही होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि बात जो है वो मुद्दों और तथ्यों पर होनी चाहिए। योगी जी, क्या सच में बात मुद्दों और तथ्यों पर होती है? यहां आपने ये भी कहा था कि भारत की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश किसी को भी नहीं करनी चाहिए। योगी जी, क्या आपको नहीं पता कि पूरी दुनिया को पता है कि भारत की छवि खराब करने की कोशिश कौन करता रहता है? आपने ये भी कहा था कि शाहरुख खान की भाषा और एक आतंकी की भाषा में कोई फर्क नहीं है, पाकिस्तान चला जाए, औकात पता चल जाएगी। आपने ये भी कहा था कि अगर बहुसंख्यक समाज शाहरुख खान की फिल्मों का बहिष्कार करेंगे तो आम मुसलमान की तरह शाहरुख खान भी सड़कों पर नजर आएंगे। हो गया बहिष्कार, हो गया, कर दिया, सड़कों पर नजर आ रहे हैं शाहरुख खान। बहुसंख्यक समाज ने आपकी बात नहीं सुनी क्या योगी जी? मतलब बहुसंख्यक समाज जो है वो आपकी बात नहीं सुनता है, यही साबित हुआ ना। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि पठान मूवी देखने कौन गया? सिर्फ मुसलमान गया, हिंदू नहीं गया? हिंदू जो समाज है उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, तभी तो फिल्म जो है इतनी हिट हो गई, तभी तो 600 करोड़ के पार हो रही है फिल्म, तभी तो नफरत जो हारी और मोहब्बत जीत रही है, अभी लगातार फिल्म चल रही है अभी तो। क्या है बाबा, क्या होगा ये सब करके? आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, एक बहुत ऊंचे स्थान पे है आप, और हिंदुओं के दिल में भी बसते हैं,
कोई शक नहीं इस बात पे। लेकिन बाबा आप ये जो सारी चीजें बोलते हैं ना, उससे बहुत लोगों पर असर होता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो महिलाओं को गाली देते हैं, जय श्री राम बोलकर, खुद को सनातनी बोलकर महिलाओं को ढूंढ ढूंढ कर गाली भी देते हैं और अश्लील फोटो बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रेरणा किससे मिलती है? कभी आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, कभी आप कहते हैं कि धर्म की राजनीति तो नहीं करनी चाहिए, आप अपनी ही बातों पर कायम भी नहीं रहते हैं। आप एक जिम्मेदार पद पे हैं। आपको याद ही होगा कि आपको कुछ मानने वाले या आप भी उनको मानते हैं, आपको फॉलो करने वाले और आप भी उनको फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों ने बहिष्कार नहीं किया फिल्म का, तो क्या हो गया? फिल्म नहीं चली, फ्लॉप हो गई। कैसे कैसे बहिष्कार किया था क्या आपको नहीं पता? योगी देवनाथ, नाम इतना ऊंचा, इतना पवित्र नाम योगी देवनाथ, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, और पठान लिख के वो हंसने वाला इमोजी डाला था उन्होंने ट्विटर में। आज लोग उनको वही इमोजी भेज रहे और हंस रहे हैं, ये कोई अच्छी बात है? उन्होंने क्या कहा था कि वो पठान है तो वो पठान मूवी ही बनाएंगे ना, तुम लोग तो सनातनी हो तो तुम लोग बहिष्कार करो, हो गया? आपकी बात किसी ने सुनी नहीं? योगी देवनाथ जी नहीं सुनी? अरे जरा तो विचार करो, तमे जरा तो विचार करो कि तमे कया वस्त्र धारण कर्या छे बापु, अने तमे आहाव आवी आवी हाव आवी राजनीत करो छो, आवी नफरत। मैं गुजराती में बोल रही हूं क्योंकि वो गुजराती है, तो मैं हिंदी में भी बता दूं कि जरा तो सोचिए कि कौन सा वस्त्र धारण किया है, किसने भगवा का अपमान किया, जरा तो सोचिए। आप अपने नाम के आगे योगी देवनाथ, इतना पवित्र नाम, देव का नाम, और आप सनी लियोनी को बोलते हैं कि फॉलो मी, क्या हो जाएगा इससे? आपको क्या मिल जाएगा? सनी लियोनी में आपको इतना इंटरेस्ट है, तो ये कहता है हमारा सनातन धर्म, ये होता है धर्म, मुझे बताइए। कैसे कैसे और भी साध्वी बहनें जो थी, कोई चक्कू छुरिया तेज करवा रही थी, कोई बहिष्कार बहिष्कार, दिन रात भगवान का नाम नहीं ले रही थी, दिन रात पठान का नाम ले रही थी, आज भी नहीं थम रही है, आज भी कह रही है पठान फ्लॉप है, जबकि 600 करोड़ पार हो गया। धन्यवाद शाहरुख खान को कि उनकी वजह से, उनकी इस फिल्म की वजह से हमें पता चला कि मोहब्बत जीतती है। अब ये फिल्म नहीं रह गई, अब ये फिल्म नहीं रह गई, अब लोगों ने बता दिया कि हमने फिल्म ईवीएम से नहीं देखी, हमने डायरेक्ट बैलेट पेपर से ही पिक्चर देख ली। मतलब लोगों ने बता दिया कि हम मोहब्बत को ज्यादा पसंद करते हैं, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें जो करना होगा हम करेंगे। ऐसे लोग भी हैं जो आपको बता रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं कि हमें वो करने दो जो हमें करना है। We are free people. हमें जीने दो, हमें क्या खाना है, हमें क्या पहनना है, हम तय करेंगे। हमें कौन सी मूवी देखनी है, किसकी नहीं देखनी, कौन सी सीरियल देखनी है, कौन सा मोबाइल चलाना है, किसे व्हाट्सएप करना है, किसे वीडियो कॉल करना है, हम तय करेंगे। We are free people. आवाज़